कहते हैं जब आप पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ किसी काम को करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। नीट यूजी का रिजल्ट आ चुका है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के बच्चों ने पूरे देश भर में टॉप किया है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे कोचिंग संस्थानों के बच्चों ने भी छोटे कस्बों से टॉप किया है। इस वक्त मैं जौनपुर जिले के जंघई में बैठा हुआ हूँ और जो फ्रेम में आपको दिख रही है इनका नाम ऋचा साहू है, ये जंघई से है। इस बार नीट में इन्होंने भी अपना परचम लहराया हुआ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और आपको पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से मेहनत शुरू होती है और दूसरे ही अटेम्प्ट में किस तरीके से इन्होंने सफलता अर्जित कर ली। ऋचा, क्या रैंक है आपका, कितने नंबर मिले आपको? 660 नंबर है जी। और ओबीसी में 1500 रैंक है और ऑल इंडिया में 520 में से आपको 660 नंबर मिले। हाँ, ये बताइए किस तरीके से आपने मेहनत करी, किस तरीके से ये नंबर आपने अर्जित करे, कितने घंटे आप पढ़ते थी? 14-15 घंटे में पढ़ती थी। 14-15 घंटे आप पढ़ती थी? हाँ। बोर नहीं होती थी आप? नहीं, बोर नहीं होती थी। तो 14-15 घंटे जब आप लगातार पढ़ रही थी तो किसी तरीके का मानसिक संतुलन, कहते हैं लोग जब इतना घंटा पढ़ते हैं तो उनका जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं 14-15 घंटे लगातार पढ़ना। नहीं, ऐसा नहीं था, घर पे सब रहते थे, मतलब आधा घंटा ब्रेक ले लेती थी और सर लोग से भी बात होती रहती थी तो वो लोग मोटिवेट करते थे। अपने परिवार के बारे में बताइए, हमने सुना कि आपके पिताजी शिक्षक हैं, माताजी हाउसवाइफ हैं, बहुत सपोर्ट रहा आपके लिए? हाँ, सबका घर पे बहुत सपोर्ट रहता था, मम्मी पापा सब बहुत सपोर्ट करते थे। किस तरीके से पिताजी ने किस तरीके से सपोर्ट किया, एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने कैसे आपको प्रमोट किया? हमेशा मतलब जो भी पूछना रहता था वो सब बताते थे और मोटिवेट करते थे एग्जाम के लिए। टीचर्स के बारे में बताइए थोड़ा, कैसे किस तरीके से टीचर्स ने मदद की, कहाँ पढ़ती थी आप? डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जंघई में मैं पढ़ती थी और प्रमोद सर, कुंदन सर, वो 11th 12th से ही सब ने बहुत मेहनत किया है। कुंदन सर तो मतलब हर दिन मेहनत करते थे, एक चीज़ों पे ध्यान देते थे, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, मतलब हर एक दिन बताते थे सब कुछ। कोचिंग में कितने घंटे आपको पढ़ाया जाता था? कोचिंग में 5-4 घंटे में रहती थी। 4-5 घंटे आप कोचिंग में रहती थी। हाँ। जो लोग कहते हैं कि इस तरीके की जो तैयारी होती है वो शहरों में जाने से होती है, बड़े बड़े टीचरों के यहाँ पढ़ने से होती है, आप एक कस्बे में रहती हैं, उसी कस्बे में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने ये रैंक हासिल करी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है, मतलब जिसको पढ़ना है यहाँ पे भी मुझे सब कुछ मिलता था, जो क्वेश्चन रहता था सर लोग सब कुछ करवाते थे, टेस्ट सब कुछ देते थे, तो अगर पढ़ना है तो यहाँ से भी। आपका दूसरा अटेम्प्ट था? हाँ, ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था। ये बता, कभी मन नहीं हुआ बाहर जाके पढ़े, शायद यहाँ से सफलता ना मिले? नहीं, ये मुझे कभी नहीं लगा था, कभी आपको एहसास नहीं हुआ? एक तरफ आप देख रहे हैं जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, यूपी बोर्ड का रिजल्ट हुआ, अभी हाल फिलहाल यूपीएससी का रिजल्ट आया और फिर नीट का रिजल्ट आया, जिस तरीके से लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या आप परिवारों को, माता पिता को लड़कियों के बारे में सोचना चाहिए, मौका उस तरीके से देना चाहिए जिस तरीके से लड़कों को मिलता है? हाँ, देना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में सब आगे हैं। हर क्षेत्र में सब आगे हैं, मौका मिलना चाहिए। आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, वो कुछ नंबरों से चूक गए, उन्हें आप कैसे, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मतलब पहले साल तो वो काफ़ी सारे लोग पढ़ते थे और दूसरे साल तो इतने ज़्यादा लोग साथ में नहीं थे, पढ़ते थे सब ज़्यादा। कैसा लग रहा है, जब आपका रिजल्ट आने वाला था कुछ देर पहले, जब आप रिजल्ट चेक करने वाली थी, उससे पहले क्या दिमाग में चल रहा था, क्या सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किस तरीके से आप देख रही थी? नहीं, मतलब हम लोग काफ़ी पहले से ही मेहनत किए थे और नंबर वंबर सब कुछ पहले से ही, काउंट डाउन सब कुछ अच्छे से देखे थे। तो पहले ही आप श्योर थे कि आप सफल होने वाली हैं आप? हाँ, सब यहाँ से निकल रहे हैं, प्रतिभाएं हैं यहाँ। हाँ, आइए पिताजी से बातचीत करेंगे, क्या कहिएगा, आप खुद एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आप समझते हैं कि बच्चे किस तरीके से मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि वो फेल हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो किस तरीके का माहौल घर का रहा? माहौल बहुत ही सकारात्मक रहा जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे जहाँ रहते हैं आसपास का माहौल सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, माँ बाप का भी सहयोग हो और टीचर्स का भी सहयोग हो, तो बच्चों के अंदर प्रतिभा है तो उनको हौसले की ज़रूरत है, मोटिवेट किया जाएगा तो बच्चे आगे जा सकते हैं। तो आपने किस तरीके से प्रमोट किया ऋचा के बारे में अगर बात करें तो? नहीं, इसका कॉन्फिडेंस देख करके जो है हमें लगा कि जो है ये निकाल लेगी और इसको कोचिंग वाले भी कर रहे थे और जो समस्याएं आती थी फिजिक्स केमिस्ट्री में विशेषकर, तो मैं भी हल कर देता था।
एक बात बताइए मुझे, हमारा समाज जिस तरीके से रूढ़ियावादी विचारों से घिरा हुआ है कि लड़कियों को ट्वेल्थ हो जाए, बीए हो जाए, फिर शादी करवा देना है, उस तरीके के मौके लड़कियों को हमारे गाँव में नहीं मिलते हैं। आप एक शिक्षक होने के नाते इस दर्द को तो समझते ही हैं, शायद इसीलिए आपने ये मौका दिया। समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को संदेश देंगे कि ये अवसर बच्चों को देना चाहिए और समय के साथ हमें बदलना चाहिए और उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं, ढलते हुए सूरज को कोई नहीं। ऋचा ने टॉप किया निश्चित तौर पे, जौनपुर में अभी तक जो सूचना आई है प्रयागराज में टॉप किया है, कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है परिवार में। मिठाई बांट रहे हैं आप? बिल्कुल बांट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी वो, वहाँ पे इतनी मेहनत हुई, कुछ लोग ऐसे भी कहा करते थे अरे पता नहीं क्या इतने घंटे पढ़ाते हैं लोग, क्या पढ़ाते हुए कि नहीं पढ़ाते हैं, जिस तरीके से विकास और उनकी टीम मेहनत कर रही थी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में तो हम यही कहेंगे कि वो लोग पूरी कर्मठता के साथ पूरे मन लगा करके और लगे रहे, और उनकी पूरी इच्छा थी कि कम से कम इस बार तो रैंक आए, और पूरी तन्मयता के साथ मेहनत किए हैं इतना हमें मालूम है, और ऋचा ने भी पूरा सहयोग किया है, उस ढंग से पढ़ाई किया है, और परीक्षा में परीक्षा हाल से जैसे ही निकली बाहर निकली तो इसको 660 अंक पहले ही बता दी, इतना कॉन्फिडेंस, और 660 ही आया। हाँ, तो साथियों ये प्रयागराज का दृश्य आप देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ऋचा ने टॉप किया, किस तरीके से घर वालों ने प्रमोट किया, किस तरीके से टीचर्स ने ध्यान किया। जो लोग कहते हैं कि गांव में प्रतिभा नहीं है, जो लोग कहते हैं कि गांव से कुछ नहीं किया जा सकता है, जिन लोगों को लगता है कि गांव से निकलकर मूलभूत सुविधाएं लेने के साथ साथ वो बाहर जाके ही टॉप कर सकते हैं, उनके लिए यह एक जीता जागता उदाहरण है। ऋचा जैसे लोग और खासकर जो इनको पढ़ा रहे थे विकास जैसे लोग, वो एक अलग तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारे समाज में, और निश्चित तौर पर यह हमें इंस्पायरिंग करने वाली बात है। मेरा नाम आकाश सिंह है, या आप लंका दहन देख रहे हैं।